Sri Manjit Singh Bitta and let him talk about what he feels and what is the agenda of the day. Thank you. मैं आज अक्षय कुमार जी और शाह साहब सोनाली जी उपाध्याय जी मैं खुद इनके पास आया और जब मूवी मैंने देखी तो शायद बम्बों और गोलियों से मैं कभी आंखों में मेरे आंसू नहीं आए मेरे शरीर में पूरा लोहा भरा हुआ है लोहे की प्लेट से मेरे आंखों में कभी आंसू नहीं आए दर्द से कभी आंसू नहीं आए पर उस दिन जो अक्षय कुमार जी का सोनाली जी का जो रोल देखा जो सबने मेहनत की मैं अपने आंखों में आंसुओं को रोक नहीं पाया मुझे कम से कम जिंदगी के 35 साल हो गए टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हुए बम गोलियां बुलेट हॉस्पिटल ऑपरेशन पर मैंने जो ये देखा कि मैं चीफ मिनिस्टर भी बन सकता था होम मिनिस्टर भी बन सकता था मैं सब कुछ छोड़ दिया मैंने कहा नहीं जरूरी नहीं जो अक्षय कुमार जी का एक रोल रहा कि शायद मैं एक फौज से जब वापस आऊँगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा जैसे उन्होंने बॉम्बे के 26/11 के शहीदों का करकरे जी का सबका जो जिक्र किया कि जरूरी नहीं है कि हम फौज में जिम्मेदारी पे हैं तो तभी हमें जिम्मेदारी को निभानी अगर हम छुट्टी पे हैं तो उस जिम्मेदारी को निभाना है और ये हिंदुस्तान की नहीं दुनिया के अंदर ये सबको बताया गया जिस जिस कंट्री में टेररिज्म है चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो बांग्लादेश है चाहे वो अमेरिका में है हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि अगर सामने को देश के ऊपर मुसीबत है तो उसके लिए हमें सामने खड़े होना है तो मैं भी उन्हीं चीज़ों को लेकर शुरू से सब चीज़ों को त्याग करके मौत का कफन बांध करके बार बार बम गोलियां खा करके आज भी बोनस का शरीर है मेरा जिंदगी बोनस की है मैं फिर देश के लिए देने के लिए तैयार खड़ा हूं तो मुझे यह चीज़ अच्छी लगी कि कम से कम हिंदुस्तान के अंदर किसी ने तो पहल की किसी ने इस मूवी की तो पहल की हमारी जिंदगी गुजर गई लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम जाते फिर वापस मुड़ के आ जाते फिर वहीं का वहीं खड़ा हो जाता फिर दूसरी यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्टूडेंट को लेक्चर देते उसमें 20 तैयार होते फिर वापस आ जाते पर पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करना बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए इतने बड़े देश में हर जगह पे जाना पर एक ऐसी मूवी हॉलीडे वो हर स्टूडेंट तक जाए हर पब्लिक तक जाए हर फौज के जवान तक जाए हर CRPF CISF के जवान तक जाए हर पुलिस तक जाए कि मेरा काम है अगर मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ मेरा काम है भारत माता की आज़ादी की रक्षा करना या पूरे दुनिया के अंदर जो ग्लोबल टेररिज्म है हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि मैं अपने जिम्मेदारी को संभालूं कि देश मेरा है दुनिया मेरी है मैं इस कर्तव्य को पूरा करूं तो यहां से इतनी बड़ी प्रेरणा मिलती है तो मैं बार बार नरेंद्र मोदी जी को भी मैंने लेटर लिखा है उनके आसपास सब लोगों से बात भी की है स्टेट गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा है कि ये सिर्फ इनका काम नहीं है कि मूवी को बनाना मेहनत करना सरकारों का भी काम है सबसे बड़ा काम है कि घर बैठे हुए हर व्यक्ति कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हर स्टूडेंट इस मूवी को देखे उसका टैक्स फ्री हो और जो काम हमारी जिंदगियां गुजर जाएंगी फिर जन्म लेंगे फिर आएंगे शायद उसको पूरा ना कर पाएं पर ऐसी मूवी अगर आती है तो मैं समझूंगा कि एक बहुत बड़ा देश का बहुत बड़ा एक ग्लोबल टेररिज्म के ऊपर एक बहुत बड़ी मिसाल होगी छोटे से लेके बड़े तक इस मूवी को देखे तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी आप मेहनत करके इस मूवी के लिए आप और पब्लिसिटी कर सकते हैं वक्त थोड़ा है उसको करें ये कोई मूवी बहुत बनती हैं उसमें पैसा कमाया जाता है पर कई मूवी ऐसी होती हैं जैसे हॉलीडे है जिसमें जिनका एक मकसद होता है कि हमारा मकसद देश है हमारा मकसद है लोगों के अंदर यूनिवर्सिटी के कॉलेज स्टूडेंट के अंदर स्कूल के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करना और मैं ये समझूंगा कि इस मूवी को देख करके जरूर एक नई जागृति नई अवेयरनेस पैदा होगी आज ही मैं सुबह एयरपोर्ट में मैं न्यूज़ सुन रहा था नरेंद्र मोदी जी की आज पहला एक हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मैंने देखा है नहीं तो हमें संघर्ष करना पड़ता था उन्होंने ये आज कह दिया जो हम चाहते थे कि उनको मिलके कहें
कि हिंदुस्तान के अंदर हर जवान सीआरपीएफ, पंजाब पुलिस, बॉम्बे पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, फौज, जो भी जवान आज तक शहीद हुए उनके परिवार को, हर परिवार को नौकरी होगी, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन होगी। ये एक जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। तो उसके साथ ये जो मूवी का एक ऐसे टाइम के ऊपर इस मूवी का लोगों के सामने आना, तो मैं समझूंगा एक सोने पे सुहागा है और एक और ये मजबूत स्थिति जो है हमारी इसमें पैदा होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं मैं उसके लिए हाजिर हूँ, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि ऐसी मूवी बार बार बने, ऐसी मूवी बार बार आए। आंदोलन बहुत होते हैं, बड़े लोगों ने आंदोलन किए, आंदोलन किसके लिए? अपने मफाद के लिए, अपने मकसद के लिए, कोई मंगिहाई के लिए हुआ, कोई टैक्स के लिए हुआ। पर जो लोग शहीद हो जाते हैं, जब टेररिज्म के खिलाफ हमारे इतने जवान शहीद हो जाते हैं, क्या कभी आंदोलन कोई सड़कों पे आया आज तक? नहीं, बिल्कुल सड़कों पे नहीं आया। पर वो हॉलीडे जो पिक्चर है, ये एक आंदोलन के रूप में सड़कों पे आई है, घर घर में पहुंचाने का काम किया है इन्होंने। उसके लिए हम आप सबका सहयोग चाहते हैं कि घर में बैठी हुई वो मेरी बहनें जिनके सुहाग उजड़ गए, जिन्होंने गोली बम खाते हुए शरीर के ऊपर अपना जीवन देश के लिए निछावर कर दिया, आज उनके बच्चे, आज उनकी पत्नियां जब ये मूवी को देखेंगी तो उनकी आंखों में आंसू जरूर होंगे कि आज अक्षय कुमार जी, आज सोनाली जी, आज उपाध्याय जी, आज शाह साहब, जिन्होंने एक बड़ी मेहनत का काम किया है, उनकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी जो हमारे जवान शहीद हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। We'll now throw open for question answers if you have any questions. आपने नरेंद्र मोदी जी से अपील की है कि फिल्म को टैक्स फ्री करा जाए, क्या पीएमओ ऑफिस में आपकी बात हुई है और कहां तक पहुंचा है प्रोसेस? क्योंकि अमूमन फिल्म रिलीज होने के बाद होता है कि टैक्स फ्री करा जाए या नहीं करा जाए, क्योंकि जैसे आपने बताया फिल्म काफी देशभक्ति की बात करती है, देश के अच्छे होने की बात करती है, तो क्या रेस्पॉन्स मिला है पीएमओ ऑफिस से आपको अब तक? जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, हमें हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ के बहुत उम्मीद है, पर ये स्टेट गवर्नमेंट का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो तो सेंटर है, स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला इसका लेना होता है। तो मैं समझता हूँ उनके पीआरओ डिपार्टमेंट हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। अगर मेरे जैसा आदमी खुद आके यहाँ पे आके इनके पास हाजिर हो सकता है कि मैं आपके लिए हर जगह पे जाना चाहता हूँ, हम जोधपुर में गए, हम अमृतसर में फौज के कैंप में गए, तो उन एजेंसियों का काम और पीआरओ का काम भी होता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम होता है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, तो उनका भी फर्ज बनता है। तो मुझे उम्मीद है इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ होगा, और आप अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इस मूवी का मकसद पैसा कमाना नहीं है, इसका मकसद एक ही है कि अवेयरनेस पैदा करना, और सरकारों को चाहिए कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को उठाएं। गुड आफ्टरनून अक्षय जी, या ऑन योर लेफ्ट, या ऑन द बैक बेंच, या गुड आफ्टरनून। Like Mr. Bitta said that he has written a letter to Modi. Probably earlier he did send about letters in regards to terrorism and all those things. I would request you that I heard you say that at Kapil's comedy nights, that you needed everybody in one single person from every house to get into either into an army or into an anti-terrorist activity. Why don't you write a letter across to Mr. Modi and let Mr. Bitta run that organization, and you be the brand ambassador, and make a group where every family who has an 18-year-old son should get into this sort of an activity, and probably we could make a safer place in India. Well, I've been doing this since last 5 years. It's not only I've started saying it because my movie is about to release. I've been saying this since last 5 years that it should be important for every school to have 4 years or 5 years of self-defense programming as a subject in a school. And I've told not only everyone, but also Mr. Narendra Modi, our Prime Minister. Before he was the Prime Minister, I've spoken to him, and he has assured me that he is going to look in this matter, and he's going to try and do everything possible, because it is very essential for all the youth, all the children who are learning in school, to be disciplined. I think it is important, and it's a very good thing you picked up, and thank you very much so that I could answer this. Thank you.
मिस्टर बिट्टा आपसे सवाल है कि स्लीपर सेल्स की बात की गई है फिल्म में, कभी इन लोगों को कैसे पहचाने एक आम आदमी जिनके जिनके साथ चलते हैं वो हर रोजमर्रा की जिंदगी में, स्लीपर सेल्स के लोग? सबसे पहले जो अक्षय कुमार जी ने मोदी जी का जिक्र करके बात कही, काफ़ी देर पहले मेरी बात हुई थी अक्षय कुमार जी से, ये बहुत बड़ा काम है। इसराइल में भी ऐसा है, स्कूल में जब कॉलेज में स्टूडेंट जाता है तो उसको एक अवेयरनेस के लिए, डिसिप्लिन के लिए फौज में जाना पड़ता है। ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा है और इसके लिए आपकी हमें मदद की ज़रूरत है। जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर हमारे स्कूल से कॉलेज में स्टूडेंट जाने से पहले एक साल के लिए उसकी फ़ौज की ट्रेनिंग होगी तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा। जहाँ तक आपके मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि हम खुद अपने अंदर एक ऐसी अवेयरनेस पैदा करें। अब मैं हम भी आपके सामने, हमारे बड़े लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर स्टूडेंट हैं जो इस टेररिज्म के ऊपर काम करते हैं, अवेयरनेस के ऊपर काम करते हैं। हमें खुद को एक मेहनत करना पड़ेगा कि हम इसके ऊपर सारे मिलकर काम कर सकते हैं, ये हमारा अपना कर्तव्य है। ये यही तो ये हॉलीडे मूवी बताती है, यही एक प्रेरणा देती है कि हमें सबको अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को कैसे निभाना है। यही चीज़ जो है सबके सामने वो जो आएगी तो जरूर उसके अंदर एक अवेयरनेस पैदा होगी, इसका मकसद ही यही है। अक्षय आपसे भी सवाल है कि आप एक महिला सुरक्षा अकेडमी भी खोलने की तैयारी में थे, तो वो कब तक खोलने वाली है उनकी सुरक्षा के लिए? जी मैं ऑन द 6th आई एम हैविंग अ बिग ह्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां मैं आप सबको बताऊंगा कि ये स्कूल में अंदर क्या होगा। इट्स फॉर ऑल द वुमेन इन इंडिया टू कम एंड जॉइन द स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सेल्फ डिफेंस। इट्स अ ट्रेनिंग फॉर अबाउट 3 months और बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं उस दिन बताऊंगा। क्योंकि सर बहुत लोग हैं जो 16-17 साल के हैं हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑल दिस थिंग बट दे डू नॉट नो वेयर टू गेट इन टच विद। देखो मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि अब वक्त आ चुका है, अगर आज मुझे इस चुनाव से पहले ऐसा सवाल पूछते मैं शायद जवाब ना आपको दे पाता। पंजाब में जब टेररिज्म था पुलिस गोली का जवाब गोली देती रही, बहनों के सुहाग उजड़ते रहे, बच्चे यतीम होते रहे और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे वंदे मातरम बोलते हुए ज्वाइन हैंड अगेंस्ट टेररिज्म, वार अगेंस्ट टेररिज्म, हम वो जंग 25 साल पंजाब के अंदर लड़ते रहे। 18 साल 19 साल 20 साल के स्टूडेंट होते थे जो हमारे साथ निकलते थे। इतने ब्लास्ट हुए, इतनी गोलियां चली। अगर मेरे से कोई सवाल पूछता है पहला ब्लास्ट कब हुआ तो मैं फख्र से कहता हूँ पहला बम ब्लास्ट आज़ादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए 82 में हुआ। तो आज वो वक्त आ चुका है, काफ़ी पिछला जो समय गुजरा है 10 12 14 साल का अवेयरनेस नहीं रही थी, हर व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी था। आज एक वक्त आ चुका है, मूवी भी उसी टाइम पे रिलीज हो रही है, नरेंद्र मोदी भी उसी टाइम पे बने हैं जिनके अंदर एक जज्बा है, जैसे अभी बताया सुबह ही सुन रहा था, ये एक शुरुआत है। तो मैं बिल्कुल आपको ये मैं गारंटी देता हूँ कि हमारी ये कोशिश होगी कि जो भी स्कूल से कॉलेज में स्टूडेंट जाता है वो फौज में जरूर जाए और हम एंटी टेररिस्ट फ्रंट की तरफ से भी पूरे गांव में जाके अब कैंप लगाने वाले हैं इस पिक्चर को दिखा करके। उसके बाद ये जो मूवी है हम गांव-गांव में जाके दिखाएंगे, जहां कोई नहीं देख पा रहा, कोई शहर में नहीं आ पा रहा उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। क्योंकि ये जो मूवी बनी है ये कोई छोटी सी मूवी नहीं है, ये हमारे लिए एक आदर्श, हमारे लिए एक प्रेरणा, युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा होगी। इसको लेके मैं गांव-गांव तक जाऊंगा कि हमें आगे और क्या करना है। थैंक यू। Thank you.
अक्षय सर सुना क्यों रखते सर अक्षय सर सोनाक्षी जी एक आप दोनों जन गाइड पिक्चर अक्षय सर सोनाक्षी यहाँ पे अक्षय सर सामने सर Yeah.